हेलो दोस्तों, इंडियागढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से नेशनल एंड द इंटरनेशनल करेंट अफेयर जितने भी बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में महिला एकल किताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नोजोमी ओकुहारा। ए हो जाएगा। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। नोजोमी ओकुहारा ने महिला एकल किताब जीता। बैडमिंटन में पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने महिला एकल में 3 बार विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन खिताब जीता। पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में डेनमार्क के एडोसेन ने रस्मस गेम्से को 18-21-19-21-12 से हराया। मिश्रित युगल में मार्क लेम्सफस और एसाबेल हैट्रिक एक सुपर सीरीज इवेंट जीतने वाली पहले जर्मन मिश्रित युगल खिलाड़ी बने हैं। यह दोस्तों ठीक है दोस्तों, महिला एकल किताब जीतने वाली, इसका नाम है नोजोमी ओकुहारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस सेनाओं ने साइक्लिक अभियान शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ITBP। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। 11वीं बटालियन भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का पूरा नाम 18 अक्टूबर 2020 को सिक्किम में अपने पेंगोंग बेस से राज्य के सीमावर्ती गांवों तक साइक्लिक अभियान चलाया। सिक्किम के संस्कृति सड़क और पुल विभाग के मंत्री समदुप लेपचा ने इस अभियान को हरी झंडी दिखाई। ITBP टीम द्वारा कठिन इलाकों में 20 दिनों के दौरान कुल 218 किलोमीटर कवर किए गए। इस इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये ITBP की लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एक्सेलर वाहनी इवेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी गीता मंजुनाथ को। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। निर्माई हेल्थ एथलेटिक्स की सह संस्थापक और CEO गीता मंजुनाथ को ET प्राइम विनेम लीडरशिप अवार्ड में एक्सचर वाहनी इवेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ETPWLA व्यवसाय में महिलाओं के लिए सफलता का एक मानक निर्धारित करता है और एक अन्य महिलाओं को आगे जाने के लिए प्रेरित करता है। पुरस्कार उन महिला लीडर को सम्मानित करते हैं जिन्हें लीडरशिप के लिए एक नया और स्थायी आधार बनाने में मदद करती है। इस इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, इसे हाल ही में एक्सेलर वाहनी इवेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है गीता मंजुनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में NSG का 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 16 अक्टूबर को। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। सुरक्षा गार्ड NSG 16 अक्टूबर को अपना 36वां स्थापना दिवस
मनाया। एनएसजी आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघनीय आकस्मिक शक्ति है। इसकी स्थापना 1984 में स्थापित किया गया है। एनएसजी को ब्लैक कैप के रूप में जाना जाता है और यह देश के एक कुलीन स्ट्राइक फोर्स है जो एक आतंकवादी हमले अपहरण और बंधक बंदी जैसे स्थितियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित है। से आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये स्पेशल फोर्स है दोस्तों, विशेष आतंकवादी गतिविधियों को निपटने के लिए एनएसजी टीम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मोस। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। भारत ने पहली बार नौसेना के स्वदेशी तौर पर निर्मित स्टेल्थ विध्वंस INS चेन्नई से लाइव टारगेट के साथ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। ब्रह्मोस में 300 किलोमीटर से अधिक स्ट्राइक रेंज और टर्मिनल चरण में 10 मीटर से बेहद कम ऊंचाई के साथ और सटीक हिट क्षमता युद्ध पोत को भारतीय नौसैनिक बेड़े के सबसे घातक प्लेटफार्मों में से एक बन गया है दोस्तों। से आप इमेज में देख सकते हैं, से हाल ही में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। कहाँ किया है दोस्तों? तो चेन्नई से लाइव टारगेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में DDCA के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रोहन जेटली। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। DDCA के अध्यक्ष चुने गए हैं रोहन जेटली। पूर्व वित्त स्वर्गीय अरुण जेटली के सुपुत्र रोहन जेटली को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। उन्हें 30 जून 2021 तक इस पद पर बने रहने की उम्मीद है। गौरतलब है कि स्वर्गीय अरुण जेटली 1999 और 2013 के बीच DDCA के अध्यक्ष रूप में भी काम किया था। बाकी पद अधिकारियों के लिए चुनाव 5 से 8 नवंबर 2020 से होंगे। तो ये है अरुण जेटली के सुपुत्र रोहन जेटली से हाल ही में DDCA के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आईलिंग ट्रॉफी किसने जीती? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मोहन बागवान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अनूप विश्वास और आईलिंग के सीओ सुंदोधार की उपस्थिति में मोहन बागान ने 18 अक्टूबर 2020 को अपनी आईलिंग ट्रॉफी प्राप्त की। मोहन बागान क्लब के सदस्यों और उसके समर्थकों द्वारा फोटो खींचने के लिए 2 से 5 नवंबर 2020 तक ट्रॉफी प्रदर्शित की जाएगी। मोहन बागान ने आइजॉल FC को हराकर 10 मार्च 2020 को आईलिंग का ताज जीता। से आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही दोस्तों, इस चैनल में मैं डेली छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप उसे भी देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।